नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में की तिरंगा यात्रा की शुरुआत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का जोश उफान पर रहा। राजधानी के नरेला विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर और पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग सहित तमाम नेताओं ने आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर किसी से हिस्सेदार बनने का आह्वान किया। एमपी के गुना में क्रैश हुआ एविएशन एकेडमी का एयरक्राफ्ट, दो पायलट हुए घायल। गुना में रविवार को एक निजी एविएशन एकेडमी का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें दो पायलट घायल हो गए। आशंका है कि हादसा इंजन के फेल होने से हुआ। वह एयरक्राफ्ट करीब 40 मिनट की उड़ान के बाद क्रैश हुआ था। वहीं अस्पताल में भर्ती दोनों पायलटों की हालत खतरे से बाहर जताई जा रही है। एमपी में हर माह की 9 व 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में होगी सोनोग्राफी। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि राज्य में हर महीने की 9 व 25वीं तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में सोनोग्राफी की जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीन या रेडियोलॉजिस्ट अधिकारी उपलब्ध न होने पर गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर भेजा जाएगा, जिसके लिए उन्हें सरकारी अस्पताल से वाउचर मिलेगा। एमपी में 26 आईएएस व 21 आईपीएस अफसरों का किया गया तबादला। मध्य प्रदेश में शनिवार देर रात को 26 आईएएस व 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। 8 जिलों शहडोल, मंडला, बालाघाट, राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, अनूपपुर, नीमच के कलेक्टर व 7 जिलों रायसेन, मुरैना, मऊगंज, शिवपुरी, पांडुड़ा, अनूपपुर, मंदसौर के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। डीसी सागर को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया है। एमपी सरकार लाएगी लाडले भाइयों के लिए योजना, इस पर रहेगा फोकस। एमपी सरकार लाडली बहनों की तरह जल्द ही लाडले भाइयों के लिए भी बड़ी योजना ला सकती है, जिसका उद्देश्य राज्य के लड़कों को रोजगार देना है। योजना में आर्थिक सहायता पर मुख्य फोकस रहेगा। अगर ये योजना आती है तो ऐसा करने वाला एमपी देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। महाराष्ट्र में लाडले भाइयों के लिए योजना चल ही रही है। सीएम मोहन ने एक बयान में कहा था कि लाडले भाइयों पर ध्यान दिया जाएगा, प्रदेश में सबके लिए काम किया जाएगा। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।